जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आईजीएस सिंगाथिर के निर्देशन में चंदवाजी थाना पुलिस ने 9 क्विंटल गांजे से भरे ट्रक को जब्त किया है। गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ये ट्रक नागालैंड के जीमापुर से जयपुर आया था। बताया जा रहा है कि इसमें डाक पार्सल की आड़ में गांजा तस्करी की जानी थी। इससे पहले चंदवाजी पुलिस ने दौसा पुलिस के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वही इस कार्रवाई को लेकर आईजी एस सिंगाथिर ने चंदवाजी थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा की सराहना की। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? मादक पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई रही है। बिल्कुल, जैसी लॉकडाउन के दौरान किस कदर यहाँ पर नशे की जो खेप है वो खपाई जा रही है, ये इस बात का जो सबूत है, जीता जागता सबूत है, आज फिर से मिल गया है। क्योंकि जो जयपुर ग्रामीण थाने के जो यहाँ पर चंदवाजी थाना पड़ता है, उनके जो थाना प्रभारी हैं विक्रांत शर्मा, उनको सूचना मिली थी, गुप्त सूचना थी कि दीमापुर यानी नागालैंड में जो इलाका पड़ता है वहां से एक गांजे से भरा हुआ जो ट्रक है वो राजस्थान में आ रहा है। और इसके बाद उन्होंने अपने मुखबिर के जरिए इस पूरी सूचना को पुख्ता कराया और उसके बाद लगातार उस ट्रक का पीछा करते रहिए। और उसके बाद यहाँ पर जब जैसे ही जो ट्रक था दौसा पहुंचा, तो उसके बाद जो ऐसी गतिविधि मिली कि दौसा के अंदर से ही ये ट्रक गायब हो सकता है, तो उसके बाद यहाँ पर चंदवाजी थाना पुलिस है उसने सबसे पहले जो दौसा की जो सदर थाना पुलिस है उसको सूचना दी और उसके बाद रेड डालते हुए नाकाबंदी के दौरान इस पूरे ट्रक को रुकवाया। जैसे ही ट्रक को रुकवाया तो उसके बाद जो ट्रक के अंदर बैठे जो 3 लोग थे उन्होंने इस ट्रक के अंदर डाक पार्सल होना बताया। मगर जब अच्छे से गहनता से इस ट्रक को खंगाला गया तो पता चला कि इस डाक पार्सल की आड़ के अंदर ट्रक के अंदर 9 क्विंटल से भरे हुए जो कट्टे हैं गांजे से वो रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने जो 3 जो तस्कर थे उनको यहां पर दबोच लिया है, जिसमें इन तस्करों के अंदर जो 3 लोग हैं वो है देवाराम है, नवलराम और जोरावर सिंह। ये तमाम ऐसे जो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से तस्करी के इस धंधे में लिप्त हैं और दूसरे राज्यों से यहाँ पर राजस्थान ला करके ये जो मादक पदार्थ है, जो गांजा है, गांजा हो या अफीम हो, उसको यहाँ पर खपाते हैं। जब इनसे पूछताछ हुई और पूरे गांजे का आकलन किया गया तो सामने आया कि करीब जो जब्त किया जो गांजा है उसकी करीब 2 करोड़ रुपए कीमत है। और अहम बात यह है, जब पूछताछ में खुलासा हुआ इनसे, ये जो 3 तस्कर थे ये जयपुर, सीकर और चूरू 3 जगहों पर इस भारी मात्रा में जो जब्त किए गांजे को खपाने वाले थे। लेकिन अब जब इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है तो एक यहाँ पर बड़ा खुलासा होगा, क्यों कि कौन जो लोग हैं इस गांजे को यहाँ पर सप्लाई के लिए लेकर के आते हैं और इसमें मेन लीडर कौन है। लेकिन इसमें तारीफ की जाएगी यहाँ पर चंदवाजी थाना पुलिस को कि उनके मुखबिर के जरिए उन्हें यहाँ पर इसकी पूरी सूचना मिली और सूचना को पुख्ता कराया, पुख्ता के बाद इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया। ग्रामीण के जो आईजी हैं यहाँ पर जयपुर रेंज के जो आईजी हैं एस सिंगाथिर साहब, जब उनको इसकी मामले की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर सदर थाना पुलिस को भी सचेत किया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए इस पूरे ट्रक को जब्त कर लिया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। लॉकडाउन के भीतर सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कही जा रही है, जो कि यहाँ पर जयपुर ग्रामीण पुलिस को इसकी बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल यहाँ पर जयती जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बुलेटिन में अब